बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग फर्स्टली इन द ग्रामर सेक्शन। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट। इफ़ यू नो अबाउट हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, हु विल टेल मी इन दिस क्लास फर्स्टली हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। देयर इज़ अ सेंटेंस, आई टीच यू। Firstly, you have to figure out how many parts of the sentences. Who will tell me in this class? Speak up. Three parts: subject, verb, object. Thank you. I really appreciate you. Very intelligent. Anyone else? No one wants to speak. Okay. There are two parts of the sentences. Number one, subject, and number two, predicate. Speak up. Number one, subject. Number two, predicate. So how many parts of the sentences? There are two parts of the sentences. We are moving on to the subject. The doer of an action, it is called subject. Doer means काम करने वाला. Doer किसे कहते हैं? काम करने वाले को. She is driving a car. What is subject in this sentence? She is a subject. क्योंकि काम करने वाली कौन है? She. Driving कौन कर रहा है? वो कर रही है. तो लिहाजा she is a subject in this sentence. I teach you. What is subject in this sentence? I. She cooks food. What is subject in this sentence? She. Doer की लफ्जी मीनिंग क्या होती है? काम करने वाला. क्या होती है? तो सेंटेंस में काम करने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट की डेफिनेशन सबको समझ आ गई? तो डूअर किसे कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं. तो जो काम करने वाला सेंटेंस में होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. ये बात सबको समझ आ गई? अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ही टीचेज अस, कि वो हमें पढ़ाते हैं, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा? ही होगा, क्योंकि पढ़ाने वाले वो हैं. ठीक है, तो ये प्रोनाउन केस है यहाँ पर. ये बात सबको समझ आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है? सो नाउ वी आर मूविंग टू वर्ब. वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट. There are two things are benchmark in the definition of verb. Number one, it is action, and number two, it is state. ये बात सबको समझ में आ रही है कि verb में कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं. उनमें number one कौन सी चीज़ होती है? Action. और number two क्या है? State. Let's talk about what is action verb. कोई काम आपको नज़र आ रहा हो, कोई काम हो रहा हो. जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ driving, action. ड्राइविंग में एक्शन है. टीचिंग एक्शन. स्पीकिंग एक्शन. राइटिंग एक्शन. लिसनिंग एक्शन. वॉकिंग एक्शन. क्या इन सारी की सारी चीज़ों में एक्शन मौजूद है? यही वजह है कि हम इसे एक्शन वर्ब बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? ये बात सबको समझ आ गई कि एक्शन वर्ब किसे बोलते हैं? जिसमें एक्शन नज़र आया आपको. क्या नज़र आए? क्लियर हो गई ये बात? अब सेकेंड पॉइंट. अब हमारे पास वर्ब की डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट जो होता है वो स्टेट होता है. क्या होता है? देयर इज अ फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन. स्टेट में एक्शन नहीं होगा. स्टेट में एक्शन, एक्शन में एक्शन होगा, लेकिन स्टेट में एक्शन, यही इसका डिफरेंस है. ही इज अ लेक्चरर. ही इज अ लेक्चरर. व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? नो, यहां पर आपके पास इज वर्ब है. इज ये मेन वर्ब है. इसी को स्टेट वर्ब बोलते हैं और इसी को बी वर्ब बोलते हैं. He is a lecturer का मतलब ये है कि वो lecturer है. He was a lecturer का मतलब क्या है? कि वो lecturer था. क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर is, am, are और was, were अपनी स्टेट कंडीशन को बयान कर रहा है. किसको बयान कर रहा है? ये बात सबके समझ आ गई. एक्शन वर्ब का क्या मतलब होगा? जिसमें क्या नज़र आए? एक्शन नज़र आए. और स्टेट में एक्शन नज़र नहीं आएगा. ठीक है. शी वॉज अ डॉक्टर. शी वॉज अ. What is verb in this sentence? Was is a state verb. Was कौन सी verb है यहाँ पे? ये बात सबके समझ आ गई? Yes. Action verb क्या होती है? State verb क्या होती है? इसका difference सबके समझ आ गया? बात clear हो गई है? तो he is driving a car में आपके पास driving क्या है? Action verb है. और he is a lecturer में is क्या है? State. Clear हो गई ये बात? समझ आ गई? Second, third point, object. Receiver. Receiver समझते हैं आप? Receiver किसे कहते हैं? जो एक्शन को रिसीव करे. क्या करे? अब हमारे यहाँ जब आपके पास कॉल आती है, तो कॉल आने के बाद जो है हमारे यहाँ क्या कहते हैं?
कॉल रिसीव करते हुए क्या बोलते हैं? कॉल जब आप रिसीव करते हैं तो क्या बोलते हैं? हेलो बोल रहे होते हैं, हाय बोल रहे होते हैं। तो आपको बोलना चाहिए अस्सलामु अलैकुम। क्या बोलना चाहिए? मैं ठीक। अब मैं इंग्लिश की दुनिया से वाबस्ता हूँ ना, लेकिन तब भी मैं क्या कहता हूँ? अस्सलामु अलैकुम। तो आपको भी क्या बोलना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम बोलें। यह है सही तरीके का, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे ये बात की कि जो एक्शन को रिसीव करे वो आपके पास ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आई टीच यू, आई टीच यू, वॉट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? यू इज अ ऑब्जेक्ट, यू इज अ। तो यू यहाँ पर, ये यू जो है ये आप एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर यू प्लूरल का केस है। इस वक्त यू किसका केस है? प्लूरल का केस है। आप सिंगुलर तो नहीं है ना, आप बहुत सारे हैं। तो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो आप मेरी बात को बगौर सुन रहे हैं, बी अटेंटिव, आप बात को इन्हेमाक से समात कर रहे हैं और उस बात को रिसीव कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। तो जो एक्शन को रिसीव करे वो कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आप मुझे ये बता दें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गई बात? yes. सबके समझ आ गई? sir, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, स्पीक अप। जी सेंटेंस है और उसमें बोला गया कि सेंटेंस क्या है आपका? तो यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग, आपके पास एक्शन वर्ब है, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। एनीवन एल्स स्पीक अप प्लीज। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस आर अलाउड, क्वेश्चंस करने की इजाजत है तमाम स्टूडेंट को, जो चाहे क्वेश्चन कर लें। ऐसा क्वेश्चन करें जो मैं नहीं बता सकूं आपको, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन जी नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर सब्जेक्ट हो और वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखें, विदाउट वर्ब इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। विदाउट वर्ब तो आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। किसके बगैर नहीं बना सकते? अब आपके पास दो चीज़ें बच गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बगैर बना सकते हैं, ठीक है? यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी, या मतलब कोई एक चीज़ नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट गिवन होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट गिवन होगा। लेकिन वर्ब इज मैंडेटरी इन द सेंटेंस। विदाउट वर्ब इट यू आर अनएबल टू मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। विदाउट वर्ब आप कोई भी सेंटेंस, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब इस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। अगर मैं किसी को बताता हूँ आई टीच, तो वो समझ जाएगा कि मेरा काम। अब मजीद डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना क्वेश्चन था हमने उतना आंसर दे दिया उसको, क्योंकि ज़्यादा अगर हम बताते हैं अपनी एफिशिएंसी हम ज़्यादा बताएंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। क्या आपको बताएं ना, लोग क्लेवर होते हैं, ठीक है? तो लिहाजा जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही आंसर हमें देने चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम बारह अपनी तारीफ करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, तो लिहाजा ख्याल रखना है हमें। समझ आ रही है सब? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्ज और यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स। Who will tell me in this class what is your perception and savvy? What is articles? Articles किसे बोलते हैं? Speak up. Sir, A or M? Okay, excellent. Anyone else? What is your perception about articles? Speak up. No one wants to speak. अब आप बताएं क्या बनेंगे, स्टैच्यू बनेंगे, चेयर बनेंगे? देखिए, आर्टिकल्स में सबसे पहली बात ये, the demonstrative adjective, यहाँ पर d silent है आपके पास, तो इसे क्या पढ़ेंगे? adjective पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? demonstrative का मतलब होता है शो करना। क्या करना? इजहारे ख्याल करना, किसी चीज़ को जाहिर करना। क्या करना? एक बात ये समझ आ गई। सेकंड पॉइंट है, एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है? अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी एंड डिस क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, एक लाइन लिखें आप तमाम स्टूडेंट। देयर इज अ हॉट टी, देयर इज अ हॉट टी इन द कप, There is a hot tea
इन द कप. सेकेंड सेंटेंस लिखें, देयर इज अ कोल्ड टी इन द कप. देयर इज अ कोल्ड टी इन द कप. Who will tell me in this class, look at your register, what is adjective in these two sentences? Hot and cold. अब यहाँ दो बातें हो रही हैं कि there is a hot tea in the cup. के कप में टी है लेकिन वो टी कैसी है? तो टी का गर्म होना ये इसकी अच्छी सिफत है या बुरी सिफत है? यकीनन अच्छी सिफत है कि गेस्ट को जब चाय दी जाएगी तो वो ठंडी दी जाएगी या गर्म दी जाएगी? गर्म दी. हम तो ठंडी भी पी लें तो नो प्रॉब्लम व्हाटसएवर, लेकिन जब गेस्ट को देंगे हम, मेहमानों को देंगे, तो उसे सही सलीके से देंगे. ठीक है, एक बात ये समझ आ गई. देयर इज़ अ कोल्ड टी इन द कप, कि कप में टी है लेकिन वो टी कैसी है? ठंडी है. तो टी का ठंडा होना ये इसकी अच्छी सिफत होगी या बुरी सिफत होगी? यकीनन ये इसकी बुरी सिफत होगी, क्योंकि किसी गेस्ट के सामने, मेहमान के सामने ठंडी चाय पेश नहीं की जाती. अब यहाँ पर जो हॉट जो है, यहाँ पर ये इस नाउन की तारीफ बयान की गई है. यहाँ पर इस टी की क्या की गई है? तारीफ बयान की गई है. और तारीफ़ करने में तो बहुत खुशी होती है इंसान को, आपको पता है. अब दूसरी चीज़ ये कि देयर इज़ अ कोल्ड टी, कि कप में टी जो है वो ठंडी हो गई है, क्या हो गई? तो अब यहाँ इसकी बुराई बयान की गई है, क्योंकि हमारे माशरे में टी का ठंडा होना ये पसंद नहीं किया जाता. तो एडजेक्टिव में आपको ये बात समझ आ गई कि किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ बयान करनी है या तो खराबी बयान करनी है. क्लियर हो गई बात, समझ आ गई? अच्छा, अब एडजेक्टिव में हमारे पास देयर आर थ्री डिग्रीज. कितनी डिग्रीज हैं? नंबर वन क्या है, ये बात नहीं बोलना है, सारी चीज़ें मैं बता दूँ आपको. नंबर वन पॉजिटिव डिग्री. कौन सी डिग्री? नंबर टू कॉम्पेरेटिव डिग्री. आगे नेगेटिव बोल रहे हैं, अब बताएं क्या किया जाए, कौन सी सजा दी? नंबर वन पॉजिटिव, नंबर टू, नंबर थ्री सुपरलेटिव. अब कुछ चीज़ें रिमाइंड हो गई, आपको याद हो गई. पॉजिटिव डिग्री में सिंपल सी बात होती है, शी इज़ अ गुड गर्ल इन दिस क्लास. शी इज़ अ, तो गुड इज़ अ पॉजिटिव डिग्री. यहाँ पे गुड कैसी डिग्री है? हमने नॉर्मल बात की है कि ये स्टूडेंट अच्छी हैं, तो ये गुड कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री हुई. कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव में कंपेयर करते हैं हम, क्या करते हैं? ही इज़ टॉलर देन मी, वो मुझसे लंबा है. अब ये टॉलर जो है ये कंपैरेटिव हुई, क्या हुई? डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर पर्सन. आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर ना करें, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. ठीक है, हर इंसान की एक्सपर्टीज़ अलग अलग होती हैं. ठीक, एक चांद है तो दूसरा सूरज है, वो दोनों एक नहीं हो सकते. लिहाजा अल्लाह ने सबके अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ रखी हैं. क्लियर हो रही है बात? तो लिहाजा अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर, जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं वो तो देखें, कितनी नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है. इट इज़ ऑल फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह. स्पीक अप. इट इज़ ऑल फ्रॉम, वी आर नथिंग, वी आर, बस जब ये आपका जहन बन जाए तो आप कामयाब इंसान बन गए. क्या बन गया? कामयाब इंसान बन गए, कि हम कुछ भी नहीं है और अल्लाह की ज़ात सब कुछ है. अब मैं आपको ये बात बता रहा था. अच्छा, अब तीसरी चीज़ होती है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव का मतलब होता है तारीफ़ में हम इंतहा कर दें, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, ये भी नुकसान का सबब बन जाता है. बहुत ज़्यादा बुराई कर दी तो ये तो इतना ख़तरनाक केस बन जाएगा. ठीक है, किसी की अगर आप बुराई करते हैं तो एक गलत जुमला बोलें तो उसमें तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है, तो ज़्यादा बोलेंगे तो फिर क्या होगा? तो लिहाजा कम्युनिकेशन में आपको स्पीक जेंटल होना ज़रूरी है. क्या होना ज़रूरी है? स्पीक जेंटल होना, क्योंकि बदतमीज़ी कोई भी बर्दाश्त. ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास. वॉट इज सुपरलेटिव डिग्री इन दिस सेंटेंस? बेस्ट, वो बेहतरीन स्टूडेंट है. कैसा स्टूडेंट है? तो बेस्ट यहाँ पर कौन सी डिग्री हुई? सुपरलेटिव डिग्री हुई. कौन सी डिग्री हुई? सुपरलेटिव डिग्री, कि वो बच्चा बेहतरीन है, उसकी राइटिंग भी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी सही है, ओबीडियंट भी है, बातें भी मानता है. क्लियर हो रही है बात? अब ये बात आपको समझ आ गई होगी. आर्टिकल्स में हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, नंबर वन ए, नंबर टू एन, और नंबर थ्री द या दी आप बोल सकते हैं. इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने का नाम, कि इसको कहाँ यूज़ करेंगे कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम आर्टिकल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ये बात सबको समझ आ गई है? क्लियर हो गई है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स की कितनी किस्में होती हैं? टू टाइप्स होती हैं. नंबर वन है आपके पास डेफिनेट आर्टिकल, एंड नंबर टू डेफिनेट आर्टिकल में वी टॉक अबाउट ओनली द. डेफिनेट आर्टिकल में हम सिर्फ और सिर्फ द को डिस्कस करते हैं. किसको डिस्कस करते हैं? और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन को डिस्कस करते हैं. किसको डिस्कस करते हैं? ए
ई आई ओ यू, इनको आप क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं. ठीक है, हु विल टेल मी इन दिस क्लास व्हाई दीज आर वॉवल्स? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यू हैव ऑलरेडी स्पोकन एंड व्हाई दीज आर वॉवल्स? Excellent, very intelligent, really appreciate you. This is the line. Not a word can make without vowels or सेमी वोवल्स. में आपके पास डब्ल्यू और वाई शामिल है. क्या शामिल है? अगर मैं आपको बुढ़ापे तक का टाइम दे दूं, कब तक का टाइम दे दूं? सही है, इतना वक्त काफ़ी है या और बढ़ा दूं? मौत भी तो आनी है ना. ठीक है, तो तैयारी है. दुनिया में कोई भी वर्ड बगैर वोवल या सेमी वोवल के बगैर आप नहीं बना सकते. फरहान नाम है, फरहान में वोवल है? क्या नाम है आपका लास्ट? मुजम्मिल में वोवल है? आरिज में वोवल है? A R I Z. तो A वोवेल है, I भी वोवेल. तो दुनिया में कोई भी वर्ड आप मुझे ऐसा लाकर नहीं दिखा सकते जिसके अंदर वोवेल मौजूद ना हो. कोई ऐसा वर्ड आपके जहन में जिसके अंदर वोवेल ना हो? तो शायद आप बात करें स्काई की, शायद आप बात करें फ्लाई की, शायद आप बात करें क्राई की. तो इसमें सेमी वोवेल आ रहे हैं. क्या आ रहे हैं? क्लियर हो रही है बात? तो बिल्कुल आसान सी बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बगैर आप दुनिया का कोई वर्ड बना ही नहीं सकते. दुनिया की तमाम डिक्शनरीज, तमाम किताबें अगर जमा कर ली जाएं लाइब्रेरीज़ की, तो आपको अंदाज़ा हो कि आप कोई मुझे एक ऐसा वर्ड नहीं दे सकते जो कि वोवल या सेमी वोवल के बगैर हो. क्लियर हो गई ये बात? सबको समझ आ गई है? अब इसके बारे में कुछ ख़ास बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें. ए के अंदर ख़ास बात यह है कि ये अपनी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ये अपने लेटर के अलावा किसी दूसरे लेटर में नहीं आता. जैसे ए ए में ही आता है, उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ भी आएगा, ई में भी यही बात होती है, आई में भी यही बात होती है, ओ में भी यही बात होती है. यू की साउंड दो तरह से होती है, एक होती है वाई यू और एक होती है ई यू. वाई यू साउंड जो होती है वो होती है या वाओ, और ई यू साउंड जो होती है वो अलिफ या वाओ होती है. ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वोवेल्स. अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वोवेल्स का क्या स्कूल ऑफ थॉट है. तो ये बात सबको समझ आ गई है. कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं. क्वेश्चंस आर अलाउड, क्वेश्चंस आर अलाउड. डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं इजहार ख्याल करने को, एडजेक्टिव कहते हैं सिफत को. तो क्योंकि आप इजहार करते हैं ना, जाहिर करते हैं, ए एन और दी को आप डिस्कस करते हैं. ठीक है, और क्योंकि आर्टिकल्स हम एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं. किससे पहले यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं. तो यकीनन वहाँ उसकी कोई ख़ास, उसकी या तो तारीफ हो रही होती है या तो बुराई हो रही होती है. ठीक है,